सही मुराका यानी सम्यक समाधि, सही समाधि, राइट मेडिटेशन, ये छठा भाग है। आठ अंगों का जो मार्ग है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्ग, जिसमें कोई भी व्यक्ति निब्बान को, निर्वाण को, सॉल्वेशन को प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है पापों से, उसका जो आठ अंगों का मार्ग है, यानी जो आठ कथा है, आठ की कथा है, या जो घर घर कथा सुनाई जाती है, या जो अष्टमी की कथाएं होती हैं आठ दिन की, उसमें जो छठा दिन होता है उसकी ये कहानी आती है। सम्यक समाधि यानी राइट मेडिटेशन। दरअसल सम्यक और समाधि जो शब्द है, सम्यक माने तो होता है सही, और समाधि का मतलब है सम और अधिकरण, यानी सम का अधिकरण करना, सम को धारण करना। अब सम जो शब्द है, इसके दो मीनिंग पाली में आते हैं और दोनों ही यहां इस जो अच्छी तरह से लागू होते हैं। सम माने होता है बराबर, और सम माने होता है शांत भी, शांत चित्त से, यानी कि बिल्कुल कूलनेस से। तो यहां जो सम्यक समाधि का मतलब है वो है सही तरह से शांत और बराबर आपने अधिग्रहण करना है शरीर का, शरीर में धारण करनी है शांति और सही तरीके से बराबर समानता। समानता और शांति कैसे धारण करनी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। कारण क्या है, क्योंकि ये जो समाधि है, समाधि जब तक आपकी सम्यक नहीं होगी, आप पहिया के प्रज्ञा के क्षेत्र में जा नहीं सकते, और जब तक पहिया के और प्रज्ञा के क्षेत्र में जाएंगे नहीं, तब तक आपका कल्याण होगा नहीं, क्योंकि आठ अंगों का जो मार्ग है उसके सारे अंगों में आपने जाना है, तो ये छठे अंग का मार्ग है। दरअसल समाधि बहुत तरह की होती है, क्योंकि एक चोर है, एक डकैत है, एक रिश्वत लेने वाला है, एक शराब बेचने वाला है, एक शराब बनाने वाला है, एक नशा बनाने वाला है, एक देश को बेचने वाला है, एक देश को बर्बाद करने वाला है, वो सब भी समाधि लिए होते हैं। उनकी बड़ी समाधि होती है, बड़ा मेडिटेशन होता है उनको, अपने काम में इतनी समाधि होती है कि वो लगातार लगे रहते हैं कि कैसे शराब को घर घर में पहुंचाएं, कैसे देश का पैसा लेके बाहर भेजें, कैसे देश में रिश्वत खाएं, कैसे कमीशन खाएं, कैसे लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं, कैसे चोरों को कैसे चोरी सिखाएं, कैसे पाप करना सिखाएं, कैसे लोगों को अज्ञान बनाएं, ये उनकी समाधि का हिस्सा होता है। मगर ये राइट नहीं है, ये राइट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे सभी को नुकसान है, जो कर रहे हैं उनको भी नुकसान है, उनके बच्चे भी इसमें आके मरेंगे ही मरेंगे, और जिनके लिए ये हो रहा है उनके तो मर ही रहे हैं, वो तो मरते ही हैं। यानी कि गलत समाधि दोनों ही लोगों को नुकसान देती है, समाधि सिखाने वाले को भी और समाधि कराने वाले को भी और करने वाले को भी। इसलिए बुद्ध ने अपने हर शब्द में सम्यक शब्द लगाया, सम्यक का मतलब सही समाधि लेनी है, क्योंकि चोर और डाकू है वो लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए, किसी के घर को लूटने के लिए, कोई फैक्ट्री लूटने के लिए समाधि करते हैं, कोई अकाउंट से पैसा उड़ाने के लिए, कोई डिजिटल आज के समय में बड़े सारे ऐप बनाता है किसी का पैसा लेने के लिए, कितनी बड़ी बड़ी समाधि तपस्या करते हैं लोग, नौकरी लेते हैं बड़ी बड़ी इसलिए कि हम रिश्वत ले लेके अपने घर भरेंगे, लोग मेडिकल के अंदर दवाइयां बनाते हैं नकली ताकि वो अपना घर भरें, लोग सब्जी में खाने में मिलावट कर रहे हैं, लोग जो आइटम है सामान है उसमें बड़ी समाधि लगा लगा कर उनका वजन कम कर रहे हैं, उनकी कीमत बढ़ा रहे हैं, डुप्लीकेट पार्ट लगा रहे हैं, डुप्लीकेट चीजें बिक रही हैं, कम तोल रहे हैं, कम दे रहे हैं, ये सब समाधि का हिस्सा है। मगर ये असम्यक है, खराब समाधि है। जैसे सुबह 5 बजे कोई अपने काम पर लगे और पूरे दिन लूटता रहे, उसकी समाधि गलत समाधि है। सही समाधि वो होती है उसका भी फायदा हो, सामने वाले को भी फायदा हो, देश को भी फायदा हो, देश भी आगे बढ़े। तो यहाँ भगवान बुद्ध ने सम्यक समाधि यानी जो राइट मेडिटेशन है उसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो समाधि लगाने का काम यानी कि मन को शांत करने का और मन को बराबर अच्छी तरह से शांत करने का, समानता में लाने का काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और मन बहुत तेजी से भागता है, खासतौर से व्यसन में भागता है, करप्शन में भागता है, पाप में भागता है, फ्यूचर में भागेगा या भागेगा पास्ट में, यानी जो बीत गया है उसमें भागेगा, उसकी यादें लेके गुलमुल होता रहेगा, या जो अभी आया नहीं है उसको ख्वाब बनाता रहेगा, ये कार लूंगा, वो घर लूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, प्रेजेंट में नहीं रुकता, ये उसकी विशेषता होती है। इसी को समाधि से प्रेजेंट में लेके आना है, तो काम बहुत मुश्किल है क्योंकि बार बार भागेगा, शराब दिखाई देगी, औरत दिखाई देगी, आदमी दिखाई देगा, लड़का दिखाई देगा, कपड़े दिखाई देंगे, मोबाइल दिखाई देगा, पिक्चर दिखाई देगी, नाटक दिखाई देगी, और झूठी मूठी जो खबरें आती हैं टीवी में उनमें मन उलझेगा, इन सब चीजों से उलझेगा। तो उससे निकलने के लिए भगवान बुद्ध ने एक रास्ता निकाला,
एक टूल दिया। क्या टूल दिया? उन्होंने कहा आप अपनी सांस को देखिए, अपनी सांस को देखिए और सांस को बार बार देखिए कैसी आ रही है कैसी जा रही है। ये उन्होंने दिया। दे तो कुछ और भी सकते थे मगर कोई और माध्यम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जैसे वो कह सकते थे कि मोमबत्ती की लौ देखिए, दीपक देखिए, या सामने कोई सर्कल बना के कुछ चिन्ह बना के उसका बिंदु देखिए, या पेड़ की डाली देखिए, या कोई लाइट देखिए, या कोई उंगली देखिए, या पत्ती देखिए, या कोई निशान लगा दिया उसको देखिए, या कोई मूर्ति बना दी उसको देखिए, या कोई चीज ऐसी कल्पना कीजिए मन के अंदर। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस ये देखा कोई भी आलम्बन, कोई भी मीडियम अगर हम ध्यान लगाने के लिए देते हैं, जैसे मान लो हमने ध्यान लगाया एक किताब के ऊपर, किताब में ध्यान लगाया, किसी अक्षर पर ध्यान लगाया और बस ध्यान लगाते लगाते हमने अपने को अच्छी तरह से उसके अंदर स्थित कर लिया, समाधि में हम लेकिन अब हमको उस किताब के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मगर किताब कैसे हटेगी? क्योंकि अगर किताब ही मन में स्थापित होगी तो सोते जागते किताब ही दिखाई देगी। या अगर मान लो हमने अंडे पर ध्यान लगाया तो अंडा ही दिखाई देगा। या अगर हमने मान लो जूते पर ध्यान लगाया तो जूता ही दिखाई देगा। या अगर हमने ध्यान लगाया रोटी पर तो रोटी ही दिखाई देगी। या अगर हमने ध्यान लगाया किसी ऐसी चीज पे जो चीज वस्तु है तो वही दिखाई देगी, सपने में भी वही दिखाई देगी। तो जैसे आप मुहूर्त देखेंगे वैसे ही रात को सपने में आएगा। तो भगवान बुद्ध इस बात को जानते थे कि अगर कोई मीडियम या आलम्बन देते हैं तो वो ध्यान उस समय तो लगा देगा मगर बाद में फिर उसी पर ध्यान हटेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे ठीक ऐसे जैसे जो डॉक्टर होता है अगर वो टांके लगाता है किसी जख्म में, कोई कट जाए कहीं और टांके लगाने के बाद में दोबारा टांके काटे, अब पेट के अंदर कोई आंत है, आंत खराब हो गई है, वहां वो टांके लगाए और टांके लगाने के बाद में बिजनेस बात कहे भाई अब तुम्हारी आंत पूरी तरह से ठीक हो गई, आपकी जो इंस्टेंटाइन है वो पूरी तरह से ठीक हो गई, मैंने अल्ट्रासाउंड करके देख लिया है, बस एक काम करना है कि अब दोबारा पेट खोल के और वो जो टांके मैंने लगाए हैं प्लास्टिक के उनको काटना है, तो फिर पेट काटेगा, फिर वो जुड़ेगा कैसे? तो ये ठीक ऐसी स्थिति हो गई कि चूहा रखा घर में कोई था और बिल्ली रखी उसको भगाने के लिए, तो बिल्ली चूहे को खा गई और बिल्ली आ गई, बिल्ली को भगाने के लिए कुत्ता रखा तो कुत्ता आ गया, कुत्ता पसंद करने लगा, कुत्ते को हटाने के लिए शेर लेके आए तो शेर हो गया घर में, वो पसंद कर रहा है वो हमें खा जाएगा। ऐसे ही अगर आलम्बन कोई रखेंगे तो वो समाधि में आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको खा जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने इसका तोड़ निकाला जो उन्होंने सीखा था। उन्होंने कहा अपनी सांस को ही देखना है, सांस ही आपका आलम्बन है। सांस चूंकि हवा है और एक एहसास है, एक फीलिंग है, दिखाई देती नहीं है, तो इसलिए ये आपको कम परेशान करेगी। परेशान तो करती है क्योंकि जब डीप समाधि में जाते हैं, गहरी समाधि में जाते हैं, तो हार्ट बीट भी ऐसे चलता है जैसे कोई इंजन चल रहा हो कार का, घूम 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 ऐसे चलता है, और सांस भी ऐसे लगती है जैसे तूफान चल रहा हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा माइन्यूट, बहुत ज्यादा बारीक आपका मन हो चुका है और आप बाल हिलने की प्रक्रिया भी समझ जाते हैं कि ये बाल हिला यहां से। अगर धरती में जरा सा कंपन होता तो उसका भी पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, उसकी आहट से धरती कंपित हुई। तो सांस को धीरे 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 फिर बाद में बंद लगना शुरू हो जाता है और सांस इतना बारीक हो जाता है कि कई बार पता ही नहीं चलता कि सांस आ रहा भी है या नहीं आ रहा है। और बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन चले जाए तो सांस लगभग बंद भी हो जाता है और बंदा जीवित रहता है, व्यक्ति जीवित भी रहता है, यानी बहुत हल्की चीज ऐसा होता है कि जिसकी कोई आवाज नहीं आती और हार्ट बीट भी बहुत स्लो हो जाती है, पता नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे ऑलमोस्ट डेड सा बंदा हो गया, मगर वो जीवित रहता है, पूरा कॉन्शियस रहता है और वो समाधि में स्थित हो जाता है। समाधि में अगर स्थित नहीं होगा तो प्रज्ञा के फील्ड में नहीं जा सकता, यानी प्रज्ञा में प्रवेश नहीं कर सकता, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सम्यक संकल्प है उसमें नहीं जा सकता। इसलिए समाधि बिल्कुल दृढ़ होनी चाहिए। समाधि का अधिष्ठान होता है, अधिष्ठान का मतलब अधिष्ठान यानी निश्चय होता है दृढ़, चाहे कुछ भी हो जाए समाधि को नहीं तोड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, तो ऐसा दृढ़ जो निश्चय है या जो अधिष्ठान है उसको समाधि के अंदर किया जाता है। और समाधि में हर हालत में किसी भी हो जाए समाधि के अंदर आपने टूल नहीं लेना है कोई भी, क्योंकि आपने अगर मीडियम ऐसा ले लिया जो बाद में खत्म नहीं हो सकता है तो वो आपकी समाधि को खा जाएगा। यानी कि आपने कोई मूर्त ले ली या आपने कोई लौ ले ली या मोमबत्ती ले ली या कोई दिया ले लिया या कोई रोशनी ले ली या कोई चिन्ह ले लिया या कोई चक्र बना लिया या बिंदु बना लिया, फिर वो खत्म नहीं होगा, वो आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह से जम जाएगा, रात को सपने में भी वही आएगा। इसलिए सम्यक समाधि के लिए सांस का आलम्बन सबसे बेहतरीन और सबसे यूनिक है,
टेस्टेड है, हजारों लोगों ने इसको आजमाया है और पाया है, मैंने खुद किया हुआ है, क्योंकि मैं विपसना में जाता हूँ, देखता हूँ कि अगर कोई और लंबा लगाते हैं तो उसको हटाना मुश्किल होता है, मगर सांस धीरे 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 डायल्यूट हो जाती है, ठीक ऐसे जैसे डॉक्टर आज के समय में ऐसे टांके लगाते हैं शरीर के अंदर जो जानवर की चर्बी से बने हुए होते हैं, यानी जानवर की जो आंत होती है, जानवर की जो इंस्टेंटाइन होती है, सुअर की या कुत्ते की जो इंस्टेंटाइन होती है, उसको काट के बारीक 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 धागे बनाए जाते हैं, और उन धागों से ऑपरेशन करके शरीर के अंदर वो सिला जाता है जो पार्ट खराब होता है, और जब उसको सिल देते हैं तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि जो चर्बी है जिससे भी वो आंत से बने हुए हैं, शरीर को धीरे 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 14 दिन में 20 दिन में 25 दिन में गला के बाहर निकाल देता है, फिर वो पेट को दोबारा नहीं काटना पड़ता। ठीक ऐसे ही सांस काम करती है कि सांस से जब हम समाधि तक जाते हैं तो बाद में वो परेशान नहीं करती, वो स्वयं ही धीमे 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 हो गए ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती है। ये है सम्यक समाधि। इसके बाद में जो आता है वो आता है सम्यक संकल्प। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Tatiyam pi dhammam sarnam gacchami।